वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने कभी सुना था कि नील नितिन मुकेश को गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए ऑफर आया था। सॉरी ये जोक नहीं था। लेकिन अगर उन्हें नील चाहिए तो बदले में कोई ऑफर भी तो देना चाहिए ना, स्कारलेट जॉनसन, किम कार्डशियन। अरे नहीं सीरियसली, उन्होंने पहले भी हमारे साथ ऐसी डील की है। याद है जब हमने उनसे सनी लियोनी इम्पोर्ट की थी तो हमने भी तो अपना आइटम दिया था, इरफान खान कहिया। वैसे तो मेरे को भी आया था हॉलीवुड से एक ऑफर, वो सीआईडी का रीमेक बनाने जा रहे थे, पर मैंने पिगी चॉप्स प्रियंका चोपड़ा को रिकमेंड कर दिया। क्या ना कि आजकल सीआईडी से लेके एफबीआई सब उन्हीं का डिपार्टमेंट है, और मेरा डिपार्टमेंट है आपका फॉर्च्यून बनाना। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। देखना यह है कि आज कौन पॉइंट्स बटेरूज आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले पापा को कहती है हिटलर, मम्मी को ड्रामा क्वीन कहे, और खुद इस चिल्लर पार्टी की हर वक्त चपड़ चपड़ लगी रहे। प्लीज वेलकम बातों के तूफान के साथ निलेश एंड फैमिली। What a bright family, Nilesh bhai. Welcome, welcome to Family Fortunes. कौन कौन है आपके साथ? My Nish, Nishita. Okay, hi Nishita. Hi. My daughter Avdi. Hello Avdi. Hi. And my lovely wife Archana. Hi. Hello Archana. Thank you so much for coming to Family Fortunes. Yeah, thank you. भाई ये मस्ती की आंटी तो आ गई, देखे इनसे टकराने के लिए कौन सा तूफान आ रहा है। सबसे पहले तीन तूफान साथ में, पर खुद तूफान है मम्मी जी। बच्चों को भी कॉम्प्लेक्स दे दे, इतनी कूल है मम्मी जी। प्लीज वेलकम द रॉकिंग प्रगति गुप्ता एंड फैमिली। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। कैसी हैं प्रगति? बढ़िया। प्रगति कौन कौन है आज आपके साथ यहाँ? प्रणव मेरा बेटा। हेलो प्रणव, ग्रेट हेयर स्टाइल डूड। गुंजन। Hi Gunjan, great hairstyle for you too. Projit. Hi Projit, कैसे हैं आप? Good, I'm good. Welcome to Family Fortunes. एक तरफ मम्मी तीन बॉयज के साथ में, एक तरफ पापा तीन गर्ल्स के साथ में, three much fun. भाई अगर बबली से पॉइंट्स की बरसात चाहिए तो अच्छे से इसका खेल समझ लीजिए। तो सवालों के जवाब देते जाइए और बबली से पॉइंट्स बटोरते जाइए। लेकिन अगर आपका जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे नहीं हुआ तो क्या होगा? ये आवाज सुनाई देगी, इसका मतलब आपका हो गया पंक्चर, इधर का हेयर कट, इधर का हेयर वापस आ गया। कुछ भी हो सकता है। पहले सवाल के पहले जवाब के लिए मैं दोनों कैप्टन्स को यहां बुलाना चाहूंगा, निलेश एंड प्रगति। लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। ऑलराइट प्रगति एंड निलेश, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, हम उसके ढूंढ रहे हैं टॉप 6 जवाब। थैंक यू सो मच बबली। भाई दोनों तैयार हो जाइए, और क्योंकि जो पहले बजर दबाएगा उसे पहले आंसर देने का मौका मिलेगा। अगर उसका जवाब टॉप जवाब हुआ तो उस गेम को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो दूसरे को मिलेगा मौका। जिसका जवाब टॉप जवाब या उसके सबसे करीब रहा वो इस खेल को आगे बढ़ाएगा। प्रगति निलेश, ये रहे आपके सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं। निलेश, कोई भी खाने पीने की चीज गिरने से। खाने पीने की चीज। बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब। नंबर वन जवाब। भाई इसका मतलब इस खेल को निलेश आप आगे बढ़ाएंगे, प्रगति आपसे बाद में मिलेगी। हाय निशिता। हाय। कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं निशिता? इंडिया में तो यू कैन से कि कोई थूक दे आप पे। मुंबई शहर हो या हिंदुस्तान का कोई सा भी शहर हो, गोलियों से आप बच सकते हो, लेकिन पीक से बचना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं से भी बरस पड़ती है। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। अवधि, आपकी 5 सेकंड की अवधि है, यानी आपको जवाब देना है कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं। ब्लड स्टेन। खून के धब्बे। बबली की प्लेलिस्ट पर। इज देयर अर्चना, कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं? इंक। बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर इंक मार्क। निलेश साहब,
कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते? धूल मिट्टी से। भाई ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। Not there. इसका मतलब ये गाइज आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कोई एक जवाब देकर आप इनके सारे पॉइंट्स लूट सकते हैं। All right, think about it. निशिता, while playing, बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब। Well done. अवधि, कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं? पेंट, वाइल पेंटिंग। पेंटिंग, बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब। गाइस जस्ट वन मोर आंसर या फिर एक और पंक्चर, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? अर्चना जी बड़ा प्रेशर आपके ऊपर, कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं? ग्रीस। ग्रीस, मरम्मत ऑन बबलीज प्लेलिस्ट। प्रगति, प्रोजीत, कपड़ों पर दाग या धब्बे कैसे पड़ते हैं? होली कलर्स। वेल गुड वन गुंजन, दूसरे कपड़ों के दाग। प्रणव, ऑयल स्टेन्स। प्रगति, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का कोई जवाब? प्रणव का आंसर ऑयल स्टेन्स। बबली की प्लेलिस्ट पे अगर ये जवाब हुआ सारे पॉइंट्स हो जाएंगे प्रगति के। बबले, बबली आखिर कौन सा जवाब ये छुपाए बैठी हो? कपड़ों पर दाग धब्बे कैसे लगते, ये कौन सा जवाब रह गया? ड्यूरिंग रेन। भाई पहला सवाल तो समाप्त हुआ, प्रगति ने अपना स्कोर अभी तक खोला नहीं है, चालू नहीं किया है। निलेश इज ऑन 78 पॉइंट्स, लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब बारी है दूसरे राउंड की, लेट्स कॉल निशिता एंड प्रणव टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। निशिता प्रणव, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, मैं ढूंढ रहा हूं उसके टॉप 6 जवाब। थैंक यू सो मच बबली, ये रहा आपका क्वेश्चन। हमने 100 लोगों से पूछा, एक ऐसा जानवर बताइए जो लोग घर पर पालते हैं। वेरी वेरी क्विक प्रणव, डॉग। मैं लड़कियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इफ अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड डॉग से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, तो जब आप कहती है मैन आर डॉग्स, आप कहना क्या चाहती हैं? प्लीज पहले क्लियर करिए अपना खुद का थॉट। बबली की प्लेलिस्ट पर। सॉरी निशिता, आई हैव टू सी यू लेटर। आइए प्रणव, क्या बात है, टॉप आंसर। गुंजन, हमने 100 लोगों से पूछा एक ऐसा जानवर बताइए जो लोग अक्सर घर पर पालते हैं। बिल्ली। बिल्ली, बिल्लियों का क्या है? कहते हैं उनको कि उनकी 9 लाइफ्स होती है, 9 जन्म होते हैं उनके। आलसी पड़े रहते कोने में, उनका एक ही जन्म ना खत्म हो भाई, 9 तक के क्या कर लोगे? देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। प्रोजीत, एक ऐसा जानवर बताइए जो लोग अक्सर घर पर पालते हैं। कुत्ता बिल्ली हो गया, आप बोलो बेटा। पैरेट। बबली की प्लेलिस्ट पर ये जवाब। वेल डन प्रगति, जैसे जैसे जवाब कम होते जाएंगे वैसे वैसे चांसेस और मुश्किल होते जाएंगे। योर आंसर फिश। मछलियां, बबली की प्लेलिस्ट पर। इट्स देयर। प्रणव, एक ऐसा जानवर बताइए जो लोग अक्सर घर पर पालते हैं। टर्टल्स। बबली की प्लेलिस्ट पर। क्या हो रहा है? गुंजन, एक आखिरी जवाब बाकी है। जनरली मैंने देखा है फैमिली फॉर्च्यून्स पर यहीं पर आके टीम फिसलना शुरू होती है। लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन यू बॉडी, 5 सेकेंड्स। इन सब जानवरों के अलावा एक ऐसा जानवर बताइए जो लोग अक्सर घर पे पालते हैं। रैबिट्स। खरगोश, बबली की प्लेलिस्ट पर। वन डाउन। प्रोजीत, 5 सेकेंड्स का टाइम है, एक ऐसा जानवर बताएं जो लोग अक्सर घर पर पालते हैं। बफलोस, काउस। हिंदुस्तान है भाई, और हिंदुस्तान में ही ये सर्वे किया गया है, और हिंदुस्तान के घर में अगर गाय नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी? बबली की प्लेलिस्ट पर। वे लुकिंग फॉर काउस एंड बफेलोज। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। प्रोजीत, 5 सेकेंड्स का टाइम है, कैसा जानवर बताएं जो लोग अक्सर घर पर पालते हैं। बफलोस, काउस।
हिंदुस्तान है भाई, और हिंदुस्तान में ही ये सर्वे किया गया है, और हिंदुस्तान के घर में अगर गाय नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी? बबली की प्लेलिस्ट पर वे लुकिंग फॉर काउस एंड बफेलोज। भाई दूसरे सवाल के समाप्ति पर इस वक्त प्रगति है 85 पॉइंट्स पे, निलेश है 78 पॉइंट्स पे, तनातनी हो गई है और अब पॉइंट्स की आपाधापी होने वाली है, बिकॉज आई एम बैक विद डबल मनी। ज्वाइन में से किसी एक को बाय बाय कहेगी, लेकिन दूसरे को 30,000 के जैकपॉट तक पहुंचाएगी। डबल मनी यानी कि गेम वही पर पॉइंट्स डबल। आई'd लाइक टू कॉल अपॉन अवधि एंड गुंजन टू प्ले डबल मनी। Alright guys, best of luck. जो सवाल मैं पूछने वाला हूं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 5 जवाब। Thank you, bubbly. Here's your question, guys. हमने 100 लोगों से पूछा, अपने घर वालों के अलावा आप हर रोज किसे देखते हो? Friends. अवधि ने कहा friends, दोस्तों के बिना जिंदगी ही क्या। बबली की प्लेलिस्ट पर still not the top जवाब। Gunjan, you have a chance, buddy. Yeah. Think about it. Number one jawab kya ho sakta hai? Time up, Gunjan. Avdi, chaliye, aaiye, aaiye. Archana ji, aap dekh sakti hain samne 18 ank milne the, lekin niche likhe kitne hain 36. Yani ki, Nishita, kya ho raha hai yahan pe? Bataiye. Double money. Archana ji. आप ही बताइए, अपने घर वालों के अलावा आप हर रोज किसे देखते हो? दूध वाला। दूध वाला पब्लिक की प्लेलिस्ट पे। हाँ जी बहन जी। निलेश भाई, या हमने 100 लोगों से पूछा, अपने घर वालों के अलावा आप हर रोज किसे देखते हो? मूर्ति, भगवान के स्टैचू। पब्लिक की प्लेलिस्ट पर ये जवाब है या नहीं? इसका मतलब आपके 2 पंक्चर हो चुके हैं, 1 और पंक्चर हुआ, मैं आपके पास ये सारे पॉइंट्स लूटने का आपको मिलेगा मौका, आपस में डिस्कस कर लो। निशिता, थिंक अबाउट इट। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। बबली की प्लेलिस्ट पे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड? वेल डन निशिता, ना केवल ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे रहा, बल्कि 9,000 रुपए का स्पॉट प्राइज आपके नाम। Well done. अवधि, सेम सवाल आपके पास, 100 लोगों से पूछा कि अपने घर वालों के अलावा हर रोज किसे देखते हैं? नेबर्स। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। अर्चना, काम वाली बाई। बबली की प्लेलिस्ट पर। इसका मतलब मैं उड़ चला प्रगति आपके पास। मैं आप चारों से पूछूंगा, फाइनल जवाब प्रगति आपका होगा। हमने 100 लोगों से पूछा, अपने घर वालों के अलावा आप हर रोज किसे देखते हो? प्रोजित, ऑफिस वर्कर्स। गुंजन, वॉचमैन। प्रणव, कलीग्स। प्रगति, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का? कलीग्स। अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो ये टीम पहुंचेगी बिग मनी की ओर, और एल्स इट्स गोना बी दैट टीम। बबली, बताइए इनका जवाब आपकी प्लेलिस्ट पे है या नहीं? Back to Family Fortunes. हमने 100 लोगों से पूछा, अपने घर वालों के अलावा आप हर रोज किसे देखते हो? प्रोजित, ऑफिस वर्कर्स। गुंजन, वॉचमैन। प्रणव, कलीग्स। प्रगति, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का? कलीग्स। अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो ये टीम पहुंचेगी बिग मनी की ओर, और एल्स इट्स गोना बी दैट टीम। बबली, बताइए इनका जवाब आपकी प्लेलिस्ट पे है या नहीं? भाई इसी जवाब के साथ आप बिग मनी में तो पहुंच गए, लेकिन वो एक जवाब यानी कि टॉप जवाब कौन सा है? कौन है वो शख्स जिसे आप घर वालों के अलावा रोज देखते हैं? कौन है वो? बबली। बॉस।
भाई देखना तो नहीं चाहोगे पर देखते ही जाओगे. व्हाट टू डू प्रगति, आप जा रहे हैं बिग मनी की और आप सोच के रखे कौन से दो खिलाड़ी आने वाले हैं. मैं इन द मीन टाइम इन्हें टाटा बाय बाय बोल के आता हूँ. सो सॉरी नीरज साहब, सो सॉरी निशिता, अवधि एंड अर्चना, हमें आपको यहाँ से जाने देना होगा. लेकिन आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, आपने जीत लिया है अपने लिए 3,900 के प्राइजेस और 9,000 का स्पॉट प्राइज, 12,900 के प्राइजेस. वेरी वेल प्लेड. ऑलराइट गाइस, हैव यू डिसाइडेड बिग मनी में आप में से कौन से दो खिलाड़ी उतरने वाले हैं? या प्रणव एंड प्रोजित. प्रणव एंड प्रोजित, द पी फैक्टर, कम लेट्स प्ले बिग मनी. पोथी पढ़ पढ़ कर जगमुआ पंडित भयो ना कोए, बिग मनी जो जीत ले सो पंडित नहीं महापंडित होए. क्योंकि बिग मनी के साथ है 30,000 का जैकपॉट, जिसे जीतने के लिए इन दोनों को मिलकर 200 पॉइंट्स कमाने होंगे. तो बताइए भाई, ये जैकपॉट के लिए सबसे पहले कौन उतरेगा? किसी एक के साथ ही गेम चालू हो सकता है? प्रणव तुम खेल रहे हो, भाई प्रोजित मानस कैलेट जोहनसन आई हुई है, समझ रहे हो ना? मैं तब तक इनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ, तुम जाओ उसको मेरी तरफ से दो पापड़ गिफ्ट करके जाओ. उधर बहुत ठीक, लेट्स प्ले बिग मनी. प्रणव 25 सेकंड का टाइम है आपके पास, 5 सवाल पूछूंगा आपसे. अगर किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं आता हो या सवाल समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर जाइएगा, मैं दूसरे सवाल पर पहुंच जाऊंगा. अंत में समय बचेगा तो मैं सवाल दोबारा पूछने आऊंगा. योर टाइम विल स्टार्ट मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर. प्रणव बेस्ट ऑफ लक, ये रहे आपके क्वेश्चंस. अक्सर लोग गाना कहाँ गाते हैं? टॉयलेट में. ब्लू कलर सुन के सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? स्काई. फर्स्ट एड किट में हम क्या रखते हैं? बैंडेजेस. एक चीज बताइए जो एक नाई के पास होती है. कैची. एक चीज बताइए जो आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं. एसी. भाई बहुत जरूरत पड़ती है इसकी. और आप देखते हैं कि बिग मनी में आपने जो जवाब दिए वो आपको कितने पॉइंट्स दिला पाते हैं. कम सबसे पहले हमने आपसे पूछा अक्सर लोग गाना कहाँ गाते हैं. प्रणव तू गाता है बाथरूम में? नहीं. आपने कहा बाथरूम, हमारे सर्वे ने कहा ब्लू कलर सुन के सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? आपने कहा स्काई. हमारे सर्वे ने कहा फर्स्ट एड किट में हम क्या रखते हैं? आपने कहा बैंडेजेस. हमारी सर्वे ने कहा एक चीज बताइए जो एक नाई के पास होती है. आपने कहा कैंची. हमारे सर्वे ने कहा लास्ट में हमने पूछा एक चीज बताइए जो आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं. आपने कहा एयर कंडीशनिंग एसी. हमारे सर्वे ने कहा बहुत कुछ, 128 यानी कि 72 पॉइंट्स की जरूरत. इस प्रोजेक्ट गोना डू इट. Let's find out Pranav. Very well done. आइए. All right. और अब बुलाते हैं इस टीम के दूसरे 30 मार खां को, जो 30,000 के जैकपॉट के लिए यहां भिड़ने आएंगे. Let's call the 30 मार का प्रोजीत. Let's play big money. आपको मालूम है प्रणव ने अभी तक 128 पॉइंट्स कमा लिए. 72 आपके लिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि जो पहले पहले जबान पे जो जवाब होता है वो प्रणव दे दिए. अगर आपने ऐसा कोई जवाब दिया जो पहले प्रणव दे चुका तो आपको ये आवाज सुनाई देगी. इसलिए मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा. 30 सेकंड्स यू हैव. और आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर. कोई भी अगर सवाल गड़बड़ लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, पास कर देना, मैं दूसरे पे पहुंच जाऊंगा. एंड में समय बचेगा तो मैं पूछने दोबारा आऊंगा. 72 पॉइंट्स बड़ी जैकपॉट आपका इंतजार कर रहा है. ये रहे आपके सवाल. अक्सर लोग गाना कहां गाते हैं? वॉशरूम. पास. ब्लू कलर सुन के सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? स्काइज. वाटर. फर्स्ट एड किट में हम क्या रखते हैं? डिटॉल. एक चीज बताइए जो एक नाई के पास होती है. सिजर्स. कोम. एक चीज बताइए जो आप गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं. डिओड्रेंट. अक्सर लोग गाना कहाँ गाते हैं? वॉशरूम. दुनिया भर की जगह थी गाना गाने के लिए, तू बाथरूम से निकला ही नहीं बाहर. बट वेल डन प्रोजीत, एटलीस्ट आपने 4 सवालों के जवाब दिए.
बढ़ा दे इनफ फॉर 72 पॉइंट्स. गिव मी 5 एंड जॉइन मी हियर. आइए राइट हियर. ऑलराइट भाई प्रोजीत, ये आप देख सकते हैं प्रणव के जवाब. नाउ इट्स योर टर्न. अक्सर लोग गाना कहाँ गाते हैं, अब बाथरूम से निकले नहीं, इसलिए आपको वहां मिलेगा. बाथरूम इज द टॉप आंसर. ब्लू कलर सुन के सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? आपने कहा पानी, हमारे सर्वे ने कहा वाटर इज द टॉप आंसर. उसके बाद हमने पूछा फर्स्ट एड किट में हम क्या रखते हैं, आपने कहा एंटीसेप्टिक, हमारे सर्वे ने कहा कॉटन इज द टॉप आंसर. 178 प्रोजीत, 22 पॉइंट्स. एक चीज बताइए जो एक नाई के पास होती है, आपने कहा कंघी, हमारे सर्वे ने कहा brilliant. Can you imagine with three boys इनके इतने unique hair styles हैं, जिस जवाब ने इनको jackpot दिलाया वो था कंगी. लगाओ कंगी. Well done, you're the winners of the jackpot. Very well done. बहुत खूब. आपने अब तक जितने points कमाए उसके अनुसार आप जीत चुके 28,350 के prizes, 30,000 का jackpot. यानी 58,350 के प्राइसेस. वेरी वेल डन. कंग्रेचुलेशन गाइस. ना रे ना पुष्पा ना, आई हेट टीयर्स रे. अरे गेम खत्म हो गया, इसमें रोने की क्या बात है. मैं फिर आऊंगा ऐसे ही जैकपॉट विनर्स के साथ ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून. Woo!